कटनी से इस वक्त की हम आपको खबर दिखा रहे थे ब्रेक से पहले, जहां हम आपको बताते हैं कि नदी में 5 बच्चे जो हैं वो डूब गए हैं, 3 के शव बरामद किए गए हैं, 2 की तलाश अभी जारी है। पिकनिक मनाने गए थे बच्चे, मौके पर कलेक्टर SP मौजूद रहे। तो देखिए ये बड़ी खबर, जहां नदी में 5 बच्चे डूब गए हैं, और कटनी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पिकनिक मनाने गए थे सभी बच्चे और 3 के शव जो है बरामद किए गए हैं और 2 की तलाश अभी भी जारी है। तो पिकनिक मनाने गए थे बच्चे, जिस दौरान ये हादसा देखने को मिला, मौके पर कलेक्टर SP मौजूद हैं। तो कटनी से इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रही है, तस्वीर आपके सामने, जहां पिकनिक मनाने गए थे सभी बच्चे और नदी में 5 बच्चे जो हैं वो डूब गए हैं और वहीं 3 के शव बरामद किए गए हैं, मौके पर कलेक्टर SP मौजूद हैं, तलाश अभी जारी है। तो 3 के शव जो हैं बरामद कर लिए गए हैं, 2 की तलाश अभी जारी है, तो सर्च ऑपरेशन जारी है। तस्वीरों में आपके सामने आप देख सकते हैं, तो नदी में पिकनिक जो है, पिकनिक मनाने गए थे, जिस दौरान ये बड़ा हादसा देखने को मिला और 5 बच्चे जो है इस नदी के तेज बहाव में बह गए। तो 3 के शव बरामद कर लिए गए हैं, 2 की तलाश अभी भी जारी है। तो ये कटनी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मौके पर कलेक्टर SP मौजूद हैं, तस्वीर आपके सामने है। ये उन सभी बच्चों के सामान जो पिकनिक मनाने आए थे और जिस दौरान ये बड़ा हादसा देखने को मिला, नदी में ये 5 बच्चे जो है पानी के तेज बहाव में डूब गए, 3 के शव बरामद कर लिए गए हैं, 2 की तलाश अभी भी जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ यश खरे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। यश, पूरा मामला बताइए और ये घटना कब की बताई जा रही है, और 2 शव जिनकी तलाश की जा रही है उस पर क्या अपडेट है? डूबने की जानकारी आई थी, जिसमें लगभग 3 लोगों को निकाल लिया गया है। और ताजा तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा, आप दिखा दे सकते हैं कि अभी लगातार रेस्क्यू चल रहा है और यहाँ पर अभी 1 शव को और बच्चे को निकाला गया है और लगातार जो पुलिस है रेस्क्यू में बची है। अब फिलहाल 1 बच्चे का रेस्क्यू जो है वह बचा हुआ है। यहाँ पर तमाम जो गाँव के लोग हैं वह यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं और लगातार जो पुलिस प्रशासन है वह रेस्क्यू करने में लगा हुआ है, क्योंकि 5 बच्चे जो थे वह यहाँ पर उतरे हुए थे और पिकनिक मनाने आए हुए थे, और जब यहाँ पर नहीं घर पहुंचे, देर रात तक जब नहीं पहुंचे, तो वह देखा गया कि नदी किनारे उनके कपड़े और बर्तन मिले थे। इसकी आशंका जताई गई थी कि कहीं ना कहीं बच्चे जो है वह नदी से ना उतार गए हो, और देर रात से प्रशासन जो है वह रेस्क्यू से जुट चुका है। वह भारत कांग्रेस की NCRF की कोई सक्रिय और जबलपुर की यहाँ पर लगी हुई है और लगातार जो रेस्क्यू है वह किया जा रहा है। अभी 1 बच्चे की तलाश और की जा रही है, क्योंकि बात की जाए तो यहाँ पर अभी 4 बच्चों का रेस्क्यू किया गया है। हाल ही में अभी जो अध्यक्ष है कि अभी 1 बच्चे को और निकाला गया है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। अब 1 बच्चे की तलाश जो है वह लगातार जारी है और पूरा प्रशासन जो है वह मौके पर लगा हुआ है। यहाँ पर SDRF की तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर रात थी, अंधेरा था, तो पहले लाइट की व्यवस्था की गई, कटनी नदी के नाम से नदी जो है अगर जानी जाती है, तो यहाँ पर पहले व्यवस्था की गई, उसके बाद ही जो स्थिति थी यहाँ की वह बन पाई, और जब प्रशासन यहाँ पहुंचा तो तत्काल रात से रेस्क्यू चल दिया गया और जो लगातार अभी तक जारी है। बिल्कुल यश करे, बहुत बहुत शुक्रिया हमें खबर को विस्तार से बताने के लिए।